Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu Alaikum. Rozana Waqiat sunne ke liye is channel ko subscribe kare. Makkah Mukarma ke baasi 15 sala Abu Mahzura ka asal naam Aus bin Rabia tha. Apne saathiyon ki maiyat mein Makkah Mukarma ke girdo nawah mein bakriya charana uske rozmarra ke mamulat mein shamil tha. Ek din wo wadi Hunain ke qareeb Jawrana ke pahadon mein apne doston ke saath bakriya chara raha tha ki achanak ek taraf se azan ki awaaz uske kaano se takrayi. Wo in dilnashi kalimat ki taraf mutawajja hua. Allah ke rasool sallallahu alaihi wasallam सल्लम ने फतह के बाद हुनैन का रुख किया था। वहां से वापसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम जौराना में मुकीम थे। ज़ुहर का वक्त हुआ तो हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु ने अपनी खूबसूरत आवाज में अजान देना शुरू की। फिजा को चीरती हुई यह सदा अबू महजूरा और उसके साथियों ने भी सुनी। ये नौजवान खुश मिजाज थे। अबू महजूरा ने हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु की नकल उतारना शुरू कर दी। उन्होंने मजाकी मजाक में अजान कहना शुरू कर दे। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा अल्लाहु अकबर। अबू माजूरा ने भी कहा अल्लाहु अकबर। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु मुसलमानों के कैंप में अजान दे रहे थे। अबू माजूरा अपनी बकरियों में खड़ा इन कलिमात को इसी अंदाज में दोहराता जा रहा था। अबू माजूरा की आवाज बड़ी खूबसूरत और साफ थी। खुशकिस्मती उसकी राह देख रही थी। हुआ यह कि उसकी अजान की आवाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम तक भी जा पहुंची। जब उसने अजान खत्म की तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने हजरत अली और हजरत जुबैर बिन अल अवाम रदी अल्लाहु अन्हुमा को हुक्म दिया, जिस लड़के ने अभी अभी अजान दी है उसे मेरे पास बुलाकर लाओ। वो वादी के दूसरे तरफ गए और बकरियां चराने वाले उन लड़कों को ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, मगर वो लड़के खजालत और हया के मारे खामोश रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की हिकमत और मोहब्बत देखें। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने उन्हें डांटने के बजाय एक से कहा, तुम अजान सुनाओ। उसने अजान देना शुरू की मगर उसकी आवाज अच्छी न थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने दूसरे से कहा, अब तुम अजान दो। ये आवाज उसकी भी न थी जिसकी समात आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाई थी। अब आपने तीसरे लड़के से फरमाया, तुम अजान दो। उसने अजान देना शुरू की। उसकी आवाज बड़ी खूबसूरत थी। उसकी कुनियत अबू महजूरा थी। उसने पहले हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु की नकल उतारी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे इस्तफसार फरमाया, अभी अभी तुमने अजान दी थी? अबू महजूरा ने असबात में सर हिलाया और कहने लगा, जी हाँ, वो मैं ही था। अबू महजूरा के दूसरे साथी तो भाग गए मगर अबू महजूरा को बैठे रहने का हुक्म हुआ। ये अभी तक मुसलमान न हुआ था। उसे यह खौफ था कि कहीं मेरे कत्ल का हुक्म जारी न हो जाए, क्योंकि उसने तो मजाक में हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु की नकल उतारी थी। मगर रहीम व शफीक और आला इखलाक वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने अबू महजूरा की तरफ अपने मुबारक हाथ को बढ़ाते हुए उसका अमामा उतारा और उसके लिए दुआ फरमाई, ए अल्लाह, इसे बरकत अता फरमा और इसे इस्लाम की हिदायत अता फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने अपना मुबारक हाथ अबू महजूरा के सर पर फेरा और एक बार फिर वही दुआ फरमाई, ए अल्लाह, इसे बरकत अता फरमा और इसे इस्लाम की हिदायत अता फरमा। इधर अबू महजूरा आपके इखलाक मोहब्बत और दुआ से इतना मुतासर हुआ कि उसी वक़्त कहने लगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अबू महजूरा चंद ही मिनटों में कुफर और शिर्क के अंधेरों से निकल कर इस्लाम के नूरानी रास्ते का राह ही बन गया। कहा उसको ये खौफ और डर था कि कहीं उसे सजा न दी जाए क्योंकि उसने अजान का मजाक उड़ाया था। मजीद ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।